ओके सर, शुरू करते हैं। ओके सर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन्फेंटिसाइड। एक्चुअली वी कांट फिनिश दिस चैप्टर विद इन वन लेक्चर। टुडे ओनली द डेफिनेशन, व्हाट इज मीन बाय स्टील बोन, व्हाट इज मीन बाय डेड बोन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ किलिंग ए इन्फंट एंड व्हाट इज मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस, हम इतना डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट ईयर इट इज बेटर वी विल डिस्कस व्हाट आर द चेंजेस और डिफरेंस बिटवीन स्टील बोन एंड डेड बोन। What is the difference of lungs, heart, stomach? Next lecture. Today we are going to study only infanticide definition. What is the definition? Infant, a baby up to the age of 1 year. That is infant. Infanticide means unlawful killing of infant within 1 year of its age, below 1 year. Here, unlawful killing, this is very important. What do you mean by stillborn? Death sudden after delivery. Death of that baby sudden after delivery. When fetus is born after 28 weeks of pregnancy and no signs of live born is seen, after delivery that baby inspires the air from atmosphere. But due to some causes, say falling in amniotic fluid, falling from table, head injury, these causes death of that baby, stillborn, sudden after delivery. Baby, actually after delivery, baby is alive for to some extent. But ये बताया मैंने कि सपोज दैट बेबी फॉल्स फ्रॉम टेबल, चांस ड्यू टू हेड इंजुरी ही बिकम डेड, ही और सी, और फॉलिंग इन अमनेटिक फ्लूइड ड्यू टू ड्राउनिंग, देर इज अ डेथ ऑफ दैट बेबी। डेड बॉर्न, ऑलरेडी दैट बेबी इज डेड इन यूटरस। Intrauterine death of the fetus. Breast presentation, that is one of the causes. And breast presentation causes asphyxial death in pathway. Breast presentation causes asphyxia and baby is dead in uterus only or in pathway. Dead baby, dead born. Next, अभी sign live born में sign क्या रहेंगे? Live born, live born, dead born. Live born में कैसे cry, movements of limbs, sneezing. Sneezing is very important. Baby ने sneeze करना तो ही विल स्टार्ट रेस्पिरेशन, स्नीजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्कल्टेशन, रेस्पिरेशन ऑफ हार्ट साउंड्स आर हर्ड। पेनफुल सेंसेशंस आर प्रेजेंट आफ्टर पिंचिंग। मस्कुलर टोन इज प्रेजेंट। बेबी ने क्राई करना और स्नीजिंग करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
बिकॉज ये क्राई और जो भी जितने भी रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर कुछ फॉरेन बॉडी है वो निकल जाती है और अल्टीमेटली देर विल बी दी रेस्पिरेशन स्टार्ट्स. डेड बॉर्न में क्या साइंस रहेंगे? राइगर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस स्टिफनिंग ऑफ द मसल सीन आफ्टर 2 to 3 hours ऑफ द बर्थ. मैसरेशन, ब्लिस्टर्स ऑल ओवर द बॉडी. Skin is soft. Decomposed gases are expelled out. Baby is already dead in uterus. ऐसे बेबी का अगर जब ये जन्म होता है तब ये आप दिखाई देंगे decomposed gases, mummification. Long period तक अगर बेबी वैसे ही है uterus में तब chances of mummification. ये लाइव बॉर्न एंड डेड बॉर्न डिफरेंस जैसे कि शेप से ठीक है हम डिस्कस करेंगे आज ही. शेप ऑफ द चेस्ट, शेप ऑफ द चेस्ट लाइव बॉर्न में कैसा रहेगा? अगर उसने रेस्पिरेशन लिया है तो ड्यू टू इंस्पिरेशन ऑफ एयर देर इज एक्सपेंशन ऑफ लंग्स. तो सर्कमफेरेंस ऑफ चेस्ट इज मोर देन 2 centimeters और शेप ऑफ द चेस्ट इज डोम शेप ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स. डेड बॉर्न में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा. सर्कमफेरेंस इज लेस देन अपडोमिन, 2 centimeters उसका कम रहेगा, फ्लैट रहेगा. और सर्कमफेरेंस ऑफ द चेस्ट इज लेस, 2 centimeters लेस देन अपडोमिन. चेंजेस इन सरफेस ऑफ द बॉडी, वर्निक्स कैसियोसा दैट इज एक्चुअली कॉटन थ्रेड लाइक सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट ओवर दिस स्किन एंड दिस वर्निक्स कैसियोसा रिमूव विद इन 1 to 2 days. वर्निक्स कैसियोसा इज एबसेंट इन डेड बॉर्न. जब अगर बेबी का डेथ यूटरस में हुआ है तो उसमें वर्निक्स कैसियोसा नहीं दिखाई देगा. कलर ऑफ द स्किन, कलर ऑफ द स्किन इज ब्राइट रेड. ब्राइट रेड एंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ द स्किन बिकम्स नॉर्मल विद इन 7 days आफ्टर बर्थ. अगर इफ बेबी इज डेड इन यूटरस तो ब्राइट रेड और कॉम्प्लेक्शन ऐसा कुछ नहीं दिखाएंगे. ओनली एनीमिक कंडीशन. फाइंडिंग इन स्टमक, मिल्क एंड एयर इज सीन इन स्टमक. इफ स्टमक इज टाइड ऑन बोथ एंड्स एंड इफ वी डिप दैट स्टमक इन टू वाटर बबल्स विल अल्टीमेटली कम्स आउट. डेड बॉडी में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा. म्यूकोनियम ब्लैक कलर contents through the large intestine are expelled out through anus. और बेबी ने आफ्टर बर्थ म्यूकोनियम पास होना बहुत जरूरी है. वेदर म्यूकोनियम कभी कभी कुछ बेबी में एनस एब्सेंट रहता है तो दैट इज सर्जिकल प्रोसेस, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट. म्यूकोनियम इसमें डेड बॉर्न में एब्सेंट रहे. हार्ट में क्या रहेंगे? फोरामिना ओवली इज क्लोज विद इन 3 to 7 days आफ्टर बर्थ. 3 to 7 days लाइव इसमें एबसेंट रहेगा फोरामिना ओवली इज एबसेंट. चेंजेस इन ब्लड वेसल्स, डक्टस आर्टरोसिस. अभी ये डक्टस आर्टरोसिस इज ऑब्लिक्टेड इन लाइव बॉर्न. उसके पहले क्या रहेंगे? लिगामेंटम आर्टरोसिस. ये लिगामेंट जो है इट इज कन्वर्टेड इन टू डक्टस आर्टरोसिस. हियर डेड बॉडी में एबसेंट है. चेंजेस इन ब्लड, आरबीसी काउंट इज 5 million पर क्यूबिक मिलीमीटर. डब्ल्यूबीसी काउंट इज 20,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर. एचबी इज 20 grams per cent. हियर ऐसा कुछ नहीं दिखा डेड बॉडी में. एयर इन मिडल ईयर, जेलेटिन लाइक सब्सटेंस इज रिप्लेस बाय एयर. जिलेटिन
like substance which is present in uterine life. After birth, this gelatin like substance is replaced by air and here remains filled, dead bone. It is not replaced by air as it is. Position of diaphragm changes or pull down from 3 to 4 ribs to 6 to 7 ribs. Pull down. Diaphragm is pulled down up to from 3 to 4 ribs to 6 to 7 ribs. And this is due to expansion of that lungs after inspiration of the air from the atmosphere. Dead bird meat is absent. Lungs में इसके changes क्या रह सकते हैं? Lungs, live bone में lungs large size due to expansion. यहाँ inspiration होता ही नहीं dead body में, dead baby में already it is dead in uterus. तो उसका जो lungs का size रहेगा that is a small. Soft in consistency, soft रहेगा. Live में hard in concentration, dead में hard रहेगा. Color is bright red due to circulation. ये तो brown है और complete red, no circulation. Margins of that lungs are rounded. Round margins, that is due to expansion of lungs. Live bone, dead bone, the margins are not round, they are sharp. कट सेक्शन अगर लेंगे लंग्स के ऊपर तो प्रोदी ब्लड कम्स आउट फोर्सफुली, फ्री ब्लड फ्लोज इन डेड बोन. क्रिपिटेशंस आर प्रेजेंट ड्यू टू रेस्पिरेशन लाइव बोन, हियर क्रिपिटेशंस आर एब्सेंट. वेट अबाउट 60 ग्राम, अबाउट 30 ग्राम. Half the life, lungs का weight कितना रहेगा live bone में 60 ग्राम, यहाँ 30, यानी half then live bone. Contusions are present due to artificial respiration. Artificial अगर respiration ऐसे mostly किसी बेबी में किया हो तो उसमें कैसा रहेगा, contusions रहेंगे. Present due to artificial respiration. Contusions over the lungs. यहाँ contusion का सवाल ही नहीं आता. Dead risk. Already baby is dead in uterus. Hydrostatic test बोले तो lungs floats in water. Over the surface of the water. That and they floats due to air. Dead bone. If baby is already dead in uterus. That lungs sinks in the water. Histological test, alveolar sacs are enlarged. Alveoli, enlarged is due to inspiration, that air. Flat alveoli are sacs in dead bone because of no respiration. Already baby is dead in uterine life. Changes in umbilicus, cut section is dried up in 2 hours. Cord dried up within 24 hours. Red ring formation around umbilicus within 48 hours. Falling of that cord in 4 to 5 days. And peeling up surface of umbilicus within 7 days. Just say, आपको ये लाइव बॉन में ऐसा चेंजेस रहेंगे, इसमें डेड बॉन में ये चेंजेस नहीं दिखाई देंगे. कैपुट सक्सेटेटम, शेप ऑफ द कैपुट इज डोम शेप, हियर एब्सेंट. सिपेलो हेमाटोमा, इट में बी समटाइम्स अगर फोर्सेप डिलीवरी है तो उसमें सिपेलो हेमाटोमा लाइव बॉन में दिखाई देगा, यहाँ नहीं दिखाई देगा. Dead bone. What are the causes of death in infant? See,
natural causes, accidental causes. Causes of death in of infant. Natural causes, premature labor, birth before 28 weeks. Chances are more. अगर उसको properly अगर phototherapy देंगे तो he will be definitely remain alive. Asphyxia due to falling in amniotic fluid, drowning. Prolonged labor. Prolonged labor, if labor is prolonged, that baby become dead due to asphyxia in pathway. Birth trauma, injury to head at the time of delivery causes death of the fetus. वही अगर suppose baby falls from table to ground and there are chances of head injury and that baby become dead. Natural cause. Huh? Neonatal infection. Infection to the fetus in intrauterine life. Infection in intrauterine life, chances of death of that baby are more. Toxic condition to the mother. Toxic. Maybe due to poisoning. अगर suppose is उन्होंने कंसर्व अगर पॉइजन कंजर्व किया तो देर आर चांसेस ऑफ डेथ ऑफ दैट बेबी इन इंट्रायुटराइन लाइफ. हिमोलाइटिक डिसऑर्डर लाइक इरिथ्रोब्लास्टोसिस इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस. एक्सीडेंटल कॉजेस. एक्सीडेंटल कॉजेस इंजुरी टू मदर दैट इज इंजुरी टू अबडोमेन. Ultimately, there is injury to uterus. Prolonged labor, accidental cause. Prolonged labor se kya hoga? That baby become dead due to asphyxia. Prolapse of cord causes stoppage of circulation to the fetus. Twisting of cord around the neck causes death of that fetus. Methods hai. अभी इसमें बहुत रेयर है लेकिन देखिए पहले में थोड़ा फेलियर टू सर्वाइव ध्यान ही नहीं देने का उसको बेबी को बर्थ के बाद अगर बेबी नहीं चाहिए ना तो उसको केयर नहीं लेने. इफ टिप ऑफ द कॉर्ड इज नॉट टाइड प्रॉपरली कॉजेस एक्सेस ब्लीडिंग. इम्प्रॉपर नरिशमेंट ऑफ बेबी. नरिशमेंट जितना उसको फीडिंग देना चाहिए वो नहीं होता. नरिशमेंट नहीं किया जाता दैट कॉजेस डेथ ऑफ दैट बेबी. फेलियर टू प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम कोल्ड. स्मोदरिंग बाय हैंड्स और क्लोथ. स्मोदरिंग क्रिमिनल इंटेंस रहता है. क्रिमिनल इंटेंस दैट बेबी को मारने जो जो एसलेंट रहेगा दैट kills that baby by criminal intent. Smothering by hands or clothes or any other. Strangulation by means of ligature. Strangulation of that baby causes asphyxial death. Application of opium poisoning to the tip of the nipple of the breast at the time of feeding that causes poisoning to that baby. Ultimately that baby will die due to poisoning. This is one example. Head injury, scratching of head or crushing of head in between two hard objects. Head injury. Scratching of head, scratching. Very, very, very criminal intent. Burying alive, dispose of that baby. Dispose karna hai na ke? Burying alive. Burying that baby in sand. खड्डा और खड्डे में उसको बेबी को डालने. Burning. Throwing a baby in fire. Drowning. Disposal of unwanted baby in river or ponds.
अनवांटेड बेबी आजकल कैसे कि हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते भी है, अगर नहीं तो टीवी पे भी न्यूज़ रहती है, लेकिन उसको अनाथ आश्रम में अगर ऐसा कुछ बेबी को कचरे के इसमें फेंक देने का, तो ऐसे बेबी को जो सोशल जो सोसाइटी है, ऐसे क्लब्स है, वो लोग ऐसे बेबी को लेके उसको पालन पोषण करते हैं, उसको अनाथ आश्रम बोलते हैं, जैसे कि पंढरपुर में है, देखो मैं गया था एक बार। दत्तक योजना बोलते हैं उसको, वहां चलती है सब। थ्रोट इंजरी, कट थ्रोट, गला कापना बहुत बहुत रेयर है, अगर होता भी है तो कितना ही रहेगा, क्रिमिनल इंटेंशन का। कंसील्ड इंजरी, इंजरी टू द नेक बाय मींस ऑफ नीडल्स दैट कॉजेस ब्लीडिंग इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक, एंड दैट ड्यू टू दिस ब्लीडिंग देर आर चांसेस ऑफ एस्फिक्सिया एंड दिस कॉजेस डेथ ऑफ डेड बी। मेडिकल लीगल एस्पेक्ट क्या हो सकता है? होमिसाइडल एंड एक्सीडेंटल कॉजेस, होमिसाइडल मेथड्स में अभी बताया आपको, डिस्कस किया होमिसाइडल, बर्निंग दैट बेबी, बर्निंग अप, थ्रोइंग अप दैट बेबी इनटू फायर, इन वाटर, स्ट्रैंगुलेशन, होमिसाइड, क्रिमिनल इंटेंस। एक्सीडेंटल कॉजेस जैसे कि एक्सीडेंटल कॉजेस, फॉलिंग अप दैट बेबी फ्रॉम टेबल, सेकंडली ट्विस्टिंग अप दैट कॉर्ड अराउंड द नेक कॉजेस एस्फिक्सिया, और फॉलिंग अप दैट बेबी इनटू एमनियोटिक फ्लूइड दैट कॉजेस aspects there, drowning, that causes death of that baby. See, already one thing, failure to survive and attention of that baby, इसमें बताया कि failure to protect the baby from cold, improper nourishment, और ये पुअर फैमिली में ज्यादा करके ऐसे केसेस सब रहते। बाद में एस्पेक्ट जब बर्थ ट्रॉमा, दिस इज वेरी कॉमन, इंजरी टू हेड इन at the time of delivery causes death of that fetus, natural causes, accidental causes, methods of killing of an infant, and what is the medical legal aspect, what are the difference, like lungs, heart, we discussed kiye humne ki stomach mein kya ho sakta hai, live born and dead born, dono mein पीएम में मालूम हो सकता है। लंग्स में ऐसा है कि एक्सपेंशन आने के कारण चेस्ट का भी शेप डोम शेप बन जाता है। ये भी बर्थ के बाद मैं बताया मीकोनियम पास हुआ है कि नहीं, सर्जिकल प्रोसेस करना पड़ता है करके, ऐसा मैं एक केस देखा हूँ। स्टमक में चेंजेस क्या है, चेंजेस इन सरफेस,
हेलो सर, हाँ काय आलं सर? मी लिव्ह करतोय. ओके, संपलं लेक्चर? हो लेक्चर संपलं, मी उद्याचं लेक्चर आहे उद्या घेईन मी. हा,